नैनो टेक्नोलॉजी पे इसलिए काम करते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी मतलब अगर आपका जो भी पार्टिकल साइज नैनो में होगा तो सरफेस एरिया बड़ा हो जाएगा, सरफेस एरिया बड़ा होगा तो क्या होगा, रेट ऑफ प्रोसेस बड़ा होगा, रेट ऑफ प्रोसेस बड़ा होगा तो आपका अल्टीमेट एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। ये हमारा है रेजिन बेस्ड, इसमें जैसे इंकजेट प्रिंटर होता है ना आपका, इसमें उस तरीके का रेजिन पड़ता है वो लेयर बाय लेयर फिर यूवी से कवर करके एक किधर से बनाया के उधर से उठाना, टूल उठा के कुछ ड्रॉ करना है कुछ करना है तो उसके लिए हेलो गाइस, हेलो गाइस, वी आर गोइंग टू एगेडियो ऐसे ही पता नहीं करने कुछ भी जा रहे हैं, ऐसे बोलने से अपने बाप का है। हाँ बता नहीं सकते हम लोग कहाँ जा रहे हैं मगर जा रहे हैं कहीं पर, हमारे सर जी विजय सर कहीं हम लोग जा रहे हैं और हम लोग जाने के लिए रेडी हैं। कैमरा ब्लड भाई और हमारे बगल में है प्रदीप भाई, उनके बगल में है प्रियांशु, प्रियांशु भाई शांत बैठी है, प्रदीप भाई भी बहुत शांत बैठी क्योंकि उनको दस्त लगी हुई है, ठीक है। तो हम लोग वी आर हैविंग सम फन एंड दिस इज वी आर क्रिएटिंग सम मेमोरीज एंड आप लोग ब्लॉग में जुड़े रहिएगा। बताइए मतलब कहाँ जा रहे हैं आज, बताइए सर, बताइए कहाँ जा रहे हैं सर आज। ये सर हमारे मेमरीज है, वेब टेक्नोलॉजी के सर हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी वेब टेक्नोलॉजी पढ़ाई और बहुत स्वीट सर हमारे, सर बोलिए कहाँ जा रहे हैं सर, कहाँ जा रहे हैं नहीं सर आप बताइए। चलिए हंसने लगे बात है, धज्जियाँ उड़ गई ब्लॉग्स की सर, बताइए कहाँ जा रहे हैं, बताइए सर आप बताइए, ये है हमारी टी एफ एल की मैम, बहुत अच्छा बात है। यही नहीं अभी और सुनिए, गलत बात, मैम टी एफ एल नहीं पढ़ाती है, मैम डी एस पढ़ाती है, इंटरनल माइनस माइनस सेमी कॉलन। हम लोग क्या चोटी सर नहीं आ पाए, सूर्यकांश आ गया अनिल अनिल, ये हमारे फ्यूचर है जोड़ी, ठीक है, और ये हमारे डायरेक्टर सभी बनने जा रहे हैं IEEE के सारे करता धरता और ये हमारे ड्राइवर है। 12 seconds later. बताओ ऊपर से किसके लिए लेना है, ऊपर से बताओ बताओ, ये लो भाई गाइस, ये हमारे ऊपर सर भाई लोग ऊपर से क्यों हम लोग क्यों स्लीपर सेल्स बोलते हैं, बहुत शांत रहते हैं मगर ये बहुत फाड़ू लोग हैं, इन लोग ने अपनी भाई आग लगा रखी है, आग लगा रखी है, और ये भाई तो टीचर के बहुत प्यारे हैं, इधर सकल गौर देखिए बहुत बोले हैं, दो जो टीचर तो क्रश है मासूम चेहरे को, हां ये भाई मासूम चेहरा है, ये बोले हैं प्रतीक हैं, ये बालन थानेदार वाले डांसर हैं, इन्होंने आग लगा रखी है, यूनिवर्सिटी की लड़कियां सब जान लगा रखी हैं, और और ये अमन, अरे 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 भाई गिराओ तो ना यार, और ये हमारे जुनैद भाई, भाई के क्या कहने, इनने तो आग लगा रखी है, और ये आदल भाई सबने आग लगा कर, हाय टू माय ब्लॉग, हाय टू माय ब्लॉग, ये बहुत जिम करते हैं एंड भाई यार एग्जाम में पास करा के रखा है मेरे बंदे ने, हर एग्जाम में पास कराता है मेरे को, भाई का जुगाड़ है मगर कोई नहीं देख सकता इनका जुगाड़, बनाता है बे ऐसे पकड़ते हैं नहीं पता भाई देखा नहीं यार इन लोगों ने, कोई बात नहीं, फर्स्ट लॉग है, फर्स्ट लॉग है, फर्स्ट लॉग है, सब चलता है, आओ नहीं नहीं हिंदू बोल, और दिव्यांशु, दिव्यांशु भाई दिव्यांशु ये हम लोग का एंड तुमने सुनिए, ये है चीकू मेरा हैंडसम बॉय, मेरा हैंडसम बॉय, लेकिन दो दो है क्या देखो, अरे भाई 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 मरते मरते बचे हैं, हैंडसम बॉय, हां जॉलिंग देखो, जॉलिंग देखो, जॉलिंग जॉलिंग जॉलिंग, बहुत बहुत स्वीट लड़की है आयुषी, बहुत स्वीट लड़की है,
ये पता नहीं चलेगा, किसी को पता नहीं चलेगा कब सामान गायब हो गया। और अबे वो क्या चल रहा था, किसी को चीटिंग करनी है भाई, पूरा क्लास को नहीं पता, आदर्श भी उसके सामने फेल है। अबे नहीं, वो क्या चल रहा था, वो जो सर आए थे चॉकलेट लेके, हम देख रहे हैं सब क्या कर रहे हैं, सर से बात कर रहे हैं, ये चुपचाप से क्यों हाथ चला रहा है ऐसे ही धीरे धीरे करके, पता नहीं किसने इसके हाथ में मारा। अबे अभिषेक भाई चीकू भाई इतने हैंडसम है कि इनने इतनी अच्छी लड़की रिजेक्ट करी, जो इनको इनको इनके अरेंज मैरिज भी इनको नहीं मिल सकती है। ठीक है अब भाई ये सुना है कि चिकन बहुत बढ़िया बनाते हैं, मगर इनने हम लोगों पे तो खिलाया नहीं है, हमने बनाया था। अच्छा देखिए, ये कुछ भी नहीं कर सकते, बहुत बेगैरत आदमी है। ये क्या यार है, बेइज्जती कर रहे हो बेचारे की, लड़कियां देखेंगे अच्छी। मगर ये बहुत सही आदमी है, बहुत मस्त आदमी है। तो गाइस, हम लोग वीडियो पहुंच चुके हैं और बहुत ज्यादा हवा चल रही है, और खाने को हमारे पास कुछ भी नहीं है। प्रतीक उड़ते उड़ते बचा है, अभी उसको पकड़ा है हम लोगों ने, और हम लोग पहुंच चुके हैं यार। अब देखिए हम लोग कौन पार्टी देता है, बहुत भूखे हो चुके हैं, पैसे हमारे जेब में नहीं है, बहुत गरीब लोग हैं हम लोग। सारे पैसे हम लोग के AKTU ने अभी एग्जामिनेशन फीस फॉर्म भरा था तो उसमें चले गए थे, हम लोग फीस जमा करनी है, बहुत जुल्म हो रहा है हमारे ऊपर, जुल्म है। मगर क्या करें, ब्लॉग में बता नहीं सकते क्योंकि हम लोग की बैक पैक आ सकती है। अधिकांशु भाई बहुत अमीर आदमी है, ये हम लोग आज पार्टी नहीं, अंधा पैसा इसके पास, अंधा पैसा दिखता ही नहीं है, दिखता ही नहीं है, इतना अंधा है कि आज तक से निकाला ही नहीं। हेलो गाइस, सो वी हैव फाइनली रीच आवर डेस्टिनेशन एंड वी आर हैविंग फन। अब बहुत कुछ खा लिया क्योंकि पैसे हमारे पास थे नहीं, पता नहीं किसने हमारे पैसे दे दिए, दिव्यांशु के वाले तो बिल्कुल नहीं दिए हमारे पैसे, बिल्कुल नहीं दिए। ठीक है, अंधा पैसा, यू नो अंधा पैसा, ये नहीं देते जा रहे हैं, पता नहीं क्या होने जा रहा है, ऐसे फालतू पे चले हैं मस्ती के लिए। तो ब्लॉग के साथ रहिएगा, बने रहिएगा। देख रहे हैं गाइस कितनी खतरनाक ब्लॉगिंग चल रही है। अरे तू अपना चेहरा देना, मेरा चेहरा देना नहीं भाई, तुम्हारा ले, अब मेरा आ रहा है बैक कैमरा, हमारा नहीं, हम दिख रहे हैं, तुम नहीं दिख रहे पोलियो की तुम देखिए चार चार बूंद लिए सर इसने पोलियो से, दो बूंद पीछे देखिए पोलियो इन्होंने नहीं पिया था, थोड़ा क्या हो गया, मुड़ गया है, देखिए क्या हो गया, आओ दिखा देते हैं, ये देखिए ये हमारे कार्ड है, उनको पोलियो हो गया था, अरे भाई ऐसे तो ना बोल, ये हमारा AKTU है, ये हमारी यूनिवर्सिटी है, ये हम लोग का कॉपी चेक करती, तो हम लोग एक मिशन के साथ आए हैं कि हम लोग का कॉपी हम लोग अपनी फाइंड आउट कर सकें, हम लोग अपनी बैग चेक कर सकें, क्योंकि बहुत सारी बैग है। हियर वी हैव रीच्ड अ डेस्टिनेशन एंड वी आर फाइनली हियर आफ्टर अ लॉन्ग डेस्टिनेशन, बट कहाँ हैं हम, वी आर इन सेंटर ऑफ एडवांस स्टडीज बट वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, बट वी हैवंट डन द नॉर्मल स्टडीज, देखो आ रहे हैं, हाँ क्या ये हमारे भाई लोग माचोस मैन, ये माचो मतलब वो पावर माचो, वही तो तुम क्या समझ रहे हो, तुम लोग गलत बात करते हो, हम लोग बचपन से कंफ्यूज हैं, पढ़ाई होती है यहाँ कुछ नहीं होता है, यहाँ क्या होता है आदर्श भैया बताएं, ये यहाँ हमें लगता है डिग्री दी जाती, कुछ तो हुआ जा बताइए, कुछ तो होता है, ये देखिए गाइस अलग भौकाल है। यही आशा लेकर हम लोग यहाँ पे आए हैं, फ्रंट कैमरा खोलना चाहिए ना, फिर तो ऐसे क्या आशा है, बताओ कौन है आशा, आशा है कौन, आशा वही है जो हम लोग इस कॉलेज में हम लोग ने एडमिशन लेते समय सुबह कर रहा कि 4 लाख से ऊपर का पैकेज लगेगा, अगर होप तो अब हम लोग को 2 लाख की हो गई, अब कोई ले बहुत बड़ी बात है, बस कोई कंपनी हम लोग को ले जाए, प्लेसमेंट ले जाए, नहीं होगा तो हमारा भाई जुनैद भाई यही पेट्रोल पंप में काम, पेट्रोल पंप पे रखोगे अपने, एक बैकअप अपना, अरे वो भी हमारे धीरेन्द्र मैंने शील नियम से नौकरी, अरे नहीं तो उसको भाई कमाना है, उसके खर्चे बहुत हैं भाई, कमाना है भैया, आदमी से आता है भैया, अभी से फैमिली मैन बन चुके हैं, जिम्मेदारियाँ आ गई हैं, बहुत जिम्मेदारियाँ हैं, वी आर रेडी टू सैक्रीफाइस फॉर आवर ब्रदर, कोई बात नहीं, developers everywhere. कोई सेमीकंडक्टर है कि नहीं, उसका क्या मतलब पोर साइज है, क्या एरिया है,
क्या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, क्या रेजिस्टिविटी है, जो भी कैरेक्टराइजेशन टेक्निक है, तो ये इस लेयर में हम कैरेक्टराइज करते हैं। जैसे ये है आपका कंटीन्यूअस एनालाइजर, एक ही साइड का है, ये इसमें क्या करते हैं हम, उसकी रेजिस्टिविटी है या कनेक्टिविटी है, सी वी है मतलब कैपेसिटेंस और वोल्टेज क्या कहते हैं, कैसे फ्रिक्वेंसी साथ उसकी वैरी कर रहा है, उसका रेजिस्टिविटी या कैपेसिटेंस या उसका मैग्नेटिक बिहेवियर, तो ये सब हम इससे पता करते हैं। दूसरा, अगर आप पढ़ते हो गया कि रेट ऑफ रिएक्शन, जब रेट ऑफ रिएक्शन किसी चीज का इंक्रीज करता है, रेट ऑफ प्रोसेस इंक्रीज करता है, कैसे करेगा, जब हम सरफेस एरिया बढ़ा देंगे, किसी की सरफेस एरिया बढ़ा या पोर साइज छोटा है तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हम जो भी पाउडर बनाते हैं, हम लोग नैनो टेक्नोलॉजी इसलिए काम करते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी मतलब अगर आपका जो भी पार्टिकल साइज नैनो में होगा तो सरफेस एरिया बड़ा हो जाएगा, सरफेस एरिया बड़ा होगा तो क्या होगा, रेट ऑफ प्रोसेस बड़ा होगा, रेट ऑफ प्रोसेस बड़ा होगा तो आपका अल्टीमेट एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। ये आपके ये सब है, इससे हम पता करेंगे जो आपका बीईटी है, ये एफएम है, उससे समझिए है, उससे हम लोग पता करते हैं कि उसका कितना वो सर्विस एरिया बड़ा बड़ा है या कितना आप देखिए, ठीक है। तो ये कैरेक्टराइजेशन जितनी भी बदल के, जैसे ये यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी मतलब जो भी आप सैंपल बनाए हो उसको किसी लिक्विड में डिजॉल्व कर दोगे और फिर अल्ट्रावायलेट लाइट पास करोगे, तो अल्ट्रावायलेट एक फ्रिक्वेंसी रेंज है, एक वेव रेंज है। So, are we, are you all यहाँ पे मेरे को दो टाइप के 3D प्रिंटर्स है, एक FDM वाला रखा हुआ है इधर, FDM में क्या रहता है, एक वायर रहता है प्लास्टिक का प्लेट रहता है, वो मेल्ट होके लेयर बाय लेयर प्रिंट करता है। ये हमारा है रेजिन बेस्ड, इसमें जैसे इंकजेट प्रिंटर होता है ना आपका, इसमें उस तरीके का रेजिन पड़ता है, वो लेयर बाय लेयर फिर यूवी से क्योर करके बनाता है। तो दोनों ही मॉडल के प्रिंटेड वो सामान रखे हुए रैक में, कुछ वो कोविड टाइम पे बनाया था उन्होंने, ऑक्सीजन स्प्रेड करने के लिए फेस मास्क और वो सब ये जो ऊपर रखा है इसी बाइक बना, तो जो जो आपका दिख रहा है वाइट रंग से और ग्रे रंग से, वो एफडीएम से बना हुआ है, लेकिन ये सारी चीजें जितना है एफडीएम से बना, एकदम लास्ट से छोटे से जो रखे हुए हैं ग्रे उठा के देखो तो रफ है थोड़ा सा भाई, और जो छोटा वाला है वो मतलब जब हमें बहुत रिफाइंड जब छोटा प्रोटोटाइप काफी एवरेज साइज है भाई, ये छोटा नहीं होता है, लेकिन आपको चेंज भी करना होता है कम कम, अगर जब हमारा फाइनल डिजाइन होता है तो हम इससे प्रिंट भी एक फाइनल प्रोडक्ट बना सकते हैं। सब तरीके का अलग अलग है, क्या है कुछ भी काम, जैसे कोई असेंबली करवाना है, कटिंग करवाना है, वेल्डिंग, जैसे इधर वेल्डिंग का है पूरा ऑटोमेटिक वेल्डिंग कर सकता है, ठीक है ना, वो बेयर रोबोट मतलब की उस टाइम कोई भी चीज आगे देखो उसका हाथ कटा हुआ है, कुछ नहीं लगा आगे बोल बोलते हैं, तो उसमें कोई भी अपना असेंबली बना के लगा सकते हो, टेस्टिंग कर सकते हो, वो मतलब रिकमेंडेशन मिली। ये वाला क्या है, पिक एंड प्लेस है, ठीक है ना, पिक एंड प्लेस मतलब एक इधर से बनाया के उधर से उठाना, टूल उठा के कुछ ड्रॉ करना है, कुछ करना है, तो उसके लिए एक्सपेरिमेंटेशन किया है। डिफरेंट डिफरेंट कूका रोबोट्स हैं, कूका कंपनी का नाम है, ठीक है, जर्मन कंपनी है, उसके ये रोबोट्स हैं, ठीक है ना, इंडस्ट्रीज में यही यूज हो रहे हैं, ठीक है ना, अभी प्राइमरीली में एक एडिटिंग होती है, एडिटिंग होती है हाँ, मूवी में भी एफएक्स के वो ग्रीन स्क्रीन दूसरी चीज़ है, एक्चुअली क्या है यहाँ पे कोई भी चीज़ डर्ट गिरेगा ना तो तुरंत इस पर हाईलाइट हो जाएगा, वो देखोगे तब गंदा है। नो सर, है ना, एक लाइन के ऊपर ही वो ट्रायल करता है, ये क्या है, ये उसका एप्लीकेशन समझ लो, एसी लाइन पे चलेगा, ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट स्टेशन स्टेशन मतलब एक वो मशीन है, ये मशीन है, ये मशीन है, ये चार पांच मशीन है ना, उधर क्या है देखो एक रैक टाइप का बना हुआ है, सबसे पहले देखो, तो वहाँ से रॉ मटेरियल लेगा,
ठीक है ना, उसके बगल में देखो एक कन्वेयर बेल्ट लगा है ना, सब लगा हुआ है असेंबली। रॉ मटेरियल इसके रोबोट के ऊपर आ जाएगा, फिर रोबोट घूम के इस मशीन अगर ये वाला मशीन चलाना है उसके ऊपर मटेरियल पे वो देखो एक रोबोटिक आर्म लगा हुआ है उसमें, ऊपर देखो एक ऐसे एक्स वाई करके बना है ना, उसमें ग्रिपर लगा हुआ है स्लॉट टाइप का लगा हुआ है ना, तो वो पिक करेगा इस मशीन में जाके फिट करेगा, ठीक है, और ऑटोमेटिकली प्रोसेस होगा, फिर निकल के फिर रोबोट पर रख दिया जाएगा। नो सर कंप्यूटर नो सर साइबर सिक्योरिटी नहीं था भाई, कंप्यूटर कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी स्मार्ट सिटी है, मेट्रो स्टेशन जब तक मैं ना सिटी में तो स्मार्ट कैसे, स्मार्ट सिटी अब बना हुआ है, ऐसा नहीं कि सिटी होती है तो उसमें पूरा प्लानिंग से बना बनता है ना, जैसे आपका न्यूक्लियर प्लांट है आपका, मेट्रो बनी हुई है आपके, इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, क्या होता है कि हमेशा आपका मैनुअल ऑपरेटिंग नहीं होती है, आप कोई चीज़ें चलती हैं तो आपको क्या कहते हैं मेट्रो चल रही है तो उसमें क्या हुआ कि ऐसा एक स्टेशन बना हुआ है, इसमें अगर हमारा हर्डल आता है तो किसी चीज़ को अब इम्पैक्ट करेगा, क्या होता है ये जो आपका पूरा सिस्टम बना हुआ है ना, आप कंप्यूटर सिस्टम लगे हुए हैं, साइड लगे हुए हैं, साइड लगे हुए हैं, तो इसमें क्या होता है कि इस सिस्टम का नॉलेज रन करेगा, इसमें क्या होता है कि सिस्टम एक टीम जो करती है बग्स क्रिएट करती है, उसकी टीम क्या करती है बग्स को दूर करती है, क्योंकि ऐसा क्या होता है कि आपने जो किया कि भाई ट्रेन चलती रहेगी इसका कोई चलता रहेगा ऐसा होता है, आपके वाले उसमें कोई पावर फॉल्ट आ रहा है, फॉल्ट आ रहा है तो आप क्या करें बग्स क्रिएट करते हैं ताकि आपका सिस्टम इतना रोबोट तब बन पाएगा जितने वो बग्स को हैंडल कर पाएगा। So guys, the war vlog is finally coming to an end. We have enjoyed a lot. It was really interesting because we saw the new things and the things which we are going to see in the future and which the things which we might be working in the future companies. So it was quite a new experience to us, and we would like to thank our college that they gave us the opportunity to come and gave us the bus with no lunch because we are going with the empty stomach. So it didn't come as a shock to us. It was really a very good experience and it was a really a memorable one. We would like to dedicate this vlog to our class at the third year. Yep, today the date is 22 and this February. Vlog might never come out and because I am just a very lazy person. The vlog is not coming to an end. We are going to show you more. This vlog is not going to be over but for now this is coming to an end. Open nahi hota, click nahi karte, inke pehle shuru ho jata, dobara bolo. So guys, vlog is finally coming to an end. I have to go home. My stomach is very empty because I have been eating. So stay tuned and follow my friend Ahmed. भाई अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा क्लोनर लुक बहुत अच्छा है तो गलत फहमी में जी रहे हो। Looks doesn't matter. Looks doesn't matter. Only your career is matter. अरे बाप रे साइज बोला कोई। Focus on your goal and you will get many. Ahmed. बोल भाई। Family vlog है यार। Family friendly. अरे डांस हो रहा है।